नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मुझे सवाल पूछे जाते हैं कि रोहित भाई यार एक बात बताओ, ये रीसेलिंग कंपनियां हैं ये पैसे कैसे कमाती हैं? जैसे मीशो है, शॉप 101, ग्लो रोड ये कंपनियां हैं, या हाई वॉश है, इसके अलावा भी ये बहुत सारी कंपनियां हैं, ये पैसे कैसे कमा लेती हैं? क्योंकि इनका प्रोडक्ट नहीं होता, ये अपने एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट भी नहीं चलाते, तो ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? ये हम जैसे रीसेलर से पैसे भी डिमांड नहीं करते। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था तो चार्ज लिया जाता था कि कोई अगर रीसेलर बनना चाह रहा है तो पहले कुछ पैसे देने होते थे सिक्योरिटी के लिए, उसके बाद उनके प्रोडक्ट को वो सेल कर पाता था। तो ये तो हमारा सारा काम करते हैं एप्लीकेशन वाले, लेकिन पैसे कहाँ से कमाते हैं? वही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि रीसेलिंग कंपनीज का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, कैसे उनकी लाखों करोड़ों की अर्निंग होती है, जो कि मीशो की आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा अर्निंग हो रही है, जो उसका टर्नओवर आ रहा है बहुत ही अच्छा आ रहा है, और फॉरेन की कंपनियां भी अब आके उसमें इन्वेस्ट करने लगी हैं। तो शायद आपको भी कोई बिजनेस आइडिया यहां से मिल जाए अगर हम आपको ये चीजें समझा रहे हैं। तो देखो, ई कॉमर्स बिजनेस हो या रीसेलिंग बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, थोड़ा सा अंतर होता है, सेम होती है वैसे तो दोनों, थोड़ी सी अंतर होता है बस, रीसेलिंग बिजनेस में एक स्टेप बढ़ जाता है और ई कॉमर्स बिजनेस में एक स्टेप पीछे ही रहता है। देखो, फ्लिपकार्ट कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनीज में आती है, और इसके अलावा अमेजोन है जो कि अमेरिका की कंपनी है, वो भी टॉप पे आती है, और जिनकी ये अमेजोन कंपनी है वो भी टॉप रिचेस्ट पर्सन में आती है। मतलब एक वेबसाइट बना के दुनिया के अमीर इंसानों की लिस्ट में आना एक बड़ी बात होती है। सबसे पहले ई कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस मॉडल की बात करूंगा। जैसे कि एक वेबसाइट होती है, मान के चलो फ्लिपकार्ट नाम की वेबसाइट बनाई, या आपने कोई और वेबसाइट बनाई, या कोई भी बंदा है जिसने एक वेबसाइट बना ली। अब वो क्या कर रहा है, उसने देखे सप्लायर, बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोडक्ट वो सेल करना चाह रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, या जिनके हो रहे हैं वो सेल बढ़ाना चाहते हैं। तो जो वेबसाइट बनाई है, जो ऑनर है उस वेबसाइट का, वो उन सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से मिलता है। वो कहता है हमारी ऐसे ऐसे वेबसाइट है ऑनलाइन, आप अपने प्रोडक्ट को हमारी वेबसाइट पर डालिए और हमारी वेबसाइट के माध्यम से सेल होगी, और सेल होगी तो आप हमें कमीशन दे देना 10%, 12%, जितना भी वो वेबसाइट ऑनर उस कमीशन फिक्स करना चाहिए। तो होता क्या है कि जो वेबसाइट ऑनर होता है वो क्या करता है कि एक तो उनके प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करा लेता है, प्लस उन्हें डिलीवरी की सर्विस भी अपनी तरफ से दे देता है। एक डिलीवरी कंपनी हायर कर लेगा और बोलेगा कि हमारी ये डिलीवरी कंपनी आपके लिए काम करेगी, आपके प्रोडक्ट को डिलीवर कराएगी, प्लस पैकेजिंग मटेरियल भी उन्हें दे देता है, जिस पे अपनी वेबसाइट के पैकेज होते हैं, मार्किंग होती है, वो भी प्रोवाइड करा देता है, और उसके बदले पैसे भी चार्ज करती हैं। तो मान के चलो हमारी वेबसाइट थी, मैंने एक वेबसाइट बनाई, बहुत सारे सप्लायर, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर कनेक्ट कनेक्ट कर लिए अपनी वेबसाइट के थ्रू, और उन्हें हमने एक सेलर पैनल दे दिया, वेबसाइट का एक सेलर पैनल बनाया कि इस सेलर पैनल से अपनी ईमेल आईडी से आप लॉगिन करो और प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दो, और हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करेंगे और सेल को बढ़ाएंगे। तो होगा क्या कि जैसे एक तरफ हमारी वेबसाइट, दूसरी तरफ सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पर, अब हम उन्हें प्रमोशन कर रहे हैं उनके लिए जो हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं, जो उन प्रोडक्ट को खरीद सकती है। तो होगा कि हमारी वेबसाइट पर कस्टमर आएंगे, कस्टमर आएंगे तो ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे तो तुरंत जो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं उनके सेलर पैनल में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस एड्रेस के लिए प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, आप पैक कर दीजिए। तो वो सप्लायर क्या करेगा, देख के कौन से एड्रेस के लिए पैक करना है, पूरा पैक करेगा और बिल लगा देगा। उसके बाद जो डिलीवरी कंपनी हमने हायर की है वो उनके घर पे जाएगी, या उनकी शॉप पे जाएगी, या उनकी फैक्ट्री में जाएगी, और उस पैकेट को ले जाके डिलीवर करा देगी कस्टमर को। तो होता क्या है कि डिलीवरी कंपनी वाले, अगर सीओडी पर पेमेंट है तो डिलीवरी कंपनी वाले वहां से पेमेंट ले लेते हैं आपके कस्टमर से, और अपना जो चार्ज होता है वो डिलीवरी कंपनी वाले काट के बाकी का चार्ज सप्लायर को दे देते हैं, या आपको जो वेबसाइट ऑनर है उसको दे देते हैं। मोस्टली चांसों में वेबसाइट ऑनर ही पैसा लेता है, उसके बाद वो सप्लायर को पेमेंट करता है 15-15 दिन बाद। तो इस तरीके से ये ई कॉमर्स बिजनेस काम करता है।
सेम टू सेम रीसेलिंग बिजनेस भी इसी तरह से काम करता है। रीसेलिंग का एक एप्लीकेशन बना दिया, दूसरी तरफ सप्लायर कनेक्ट कर लिए, उनसे कमीशन लेते हैं ये रीसेलिंग कंपनी वाले कि जितने का भी आपकी रेट है वो फिक्स रेट आप एप्लीकेशन में डाल दीजिए और जितना भी डालोगे आप उस पर हम आपसे फिक्स कमीशन लेंगे। तो जैसे मीशो, मीशो ने एप्लीकेशन बनाया, सप्लायर कनेक्ट किए और उन सप्लायर से कह दिया कि तुम प्रोडक्ट डालो लेकिन हमें 15% कमीशन चाहिए। तो हुआ क्या, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन का प्रमोशन किया और रीसेलर से एक तरफ ये बोल दिया कि ये फिक्स प्राइस है और आप इससे ज्यादा की सेल करो तो जितनी ज्यादा ही करोगे वो आपका कमीशन हो जाएगा। तो जो फिक्स रेट दी हुई है एप्लीकेशन में उस पर तो मीशो कमीशन ले रहा है या ग्लोरोड भी कमीशन लेता है, 1701 भी, वो अपने सप्लायर से कमीशन ले रहे हैं और आपको जो रेट दिखाई जा रही है एप्लीकेशन में उससे ज्यादा में आप सेल कर रहे हो तो जो ज्यादा वाला पैसा है, जो आपका मार्जिन है, वो आपको पे कर दिया जाता है। तो इसमें सेम टू सेम वही प्रोसेस काम करता है कि मीशो, 1701, ग्लोरोड एक मीडिएटर है, उन्होंने सप्लायर और मैन्युफैक्चरर अपने साथ कनेक्ट कर लिए हैं, वो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगाते हैं और एक तरफ आपको रीसेलर आपको बना दिया है, आप लोग उनके प्रोडक्ट को सेल करवाते हो, सेल करवाते हो तो ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर आते हैं तो उन ऑर्डर्स को सप्लायर के थ्रू आपके कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है और जो भी कमीशन होता है मीशो, 1701, ग्लोरोड का, वो अपना रख लेता है, आपका जो मार्जिन होता है उसे आपको दे देता है और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट और सप्लायर का प्रॉफिट होता है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल और रीसेलिंग बिजनेस मॉडल काम करता है। तो इससे अगर आप कुछ सीख मिल रही हो तो आपको मिल गई होगी, जो सीखने वाले हैं जिनकी दुकान ऑफलाइन में भी है उनको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पहले हमारा लैपटॉप का बिजनेस था तो लैपटॉप हम इंपोर्ट कराते थे, तो हम लोगों को, जैसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम व्हाट्सएप पे फोटो वगैरह भेज देते थे कि ये फोटो है आप इनको आगे भेजिए, अगर किसी को चाहिए OLX पे डालिए, जहाँ पे भी आपको डालना है डालिए, किसी को अगर चाहिए तो आप बताइए वो हमारी दुकान पे आएगा, आपका नाम ले या आप कॉल करके हमें पहले बता दीजिए तो 1000 रुपये आपका कमीशन हो जाएगा लैपटॉप पर। तो इस तरीके से ये भी बिजनेस मॉडल एक रीसेलिंग बिजनेस मॉडल ही कहलाता है, लेकिन यही जो बिजनेस मॉडल हम ऑफलाइन में कर रहे हैं वही मीशो, ग्लोरोड, 1701 ऑनलाइन में कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा पूरा फॉर्मेट होता है, पूरी चीज होती है। बस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी ट्रस्टेड भरोसेमंद रीसेलिंग एप्लीकेशन है सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और जिन्होंने 30 दिन का हमारा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो और एक आर्टिकल दिया है उसको पढ़ लें या वीडियो को देख लें तो आपको 30 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 30 दिन में आपको फ्री में जाने क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी और बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।